नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में आज से लागू हुआ लॉकडाउन 3। देश भर में आज मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। कल से बिहार से होकर आने जाने वाली 8 स्पेशल ट्रेनें होंगी रद्द। यास तूफान को लेकर हाई अलर्ट मोड में है बिहार सरकार। आज लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। आज इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। यह चंद्र ग्रहण देश के पूर्वोत्तर भाग में और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में दिखाई पड़ेगा। जानकारों की माने तो इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन शेर और सर्वार्थ सिद्धि योग्य होने से पूजन का विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। यह चंद्र ग्रहण उपचाया होने के कारण सूतक काल नहीं लगेगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:15 से शुरू होकर शाम के 6:23 तक जारी रहेगा। हालांकि जानकारों ने यह भी साफ कहा है कि चंद्र ग्रहण का असर बिहार में नहीं देखने को मिलेगा और ना ही इसका कोई बुरा प्रभाव बिहार पर पड़ेगा। कल से बिहार से होकर आने जाने वाली 8 स्पेशल ट्रेनें होंगी रद्द। बिहार के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में लोग घरों में ही हैं और बहुत जरूरी होने पर ट्रेन से सफर कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों की संख्या में लगातार आ रही कमी और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कल 27 मई से 8 स्पेशल ट्रेनों को परिचालन को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों की संख्या में लगातार आ रही कमी और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कल 27 मई से 8 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें दानापुर और राजगीर से चलने वाली 2 जोड़ी एक्सप्रेस स्पेशल और पटना और सासाराम से चलने वाली 2 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है। इसमें 03257 दानापुर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का अप डाउन दोनों में परिचालन कल से अगले आदेश तक रद्द रहेगा। वहीं 03391 राजगीर नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस एक्सपेशल ट्रेन का अप डाउन परिचालन भी कल से अगले आदेश तक रद्द रहेगा। इसके साथ ही 03275 पटना गया मेमू स्पेशल ट्रेन का अप डाउन परिचालन और 03672 सासाराम आरा मेमू स्पेशल ट्रेन का अप डाउन परिचालन भी कल से लेकर अगले आदेश तक रद्द रहेगा। यास तूफान को लेकर हाई अलर्ट मोड में है बिहार सरकार। बंगाल की खाड़ी में उठा यास तूफान ने ओडिशा से झारखंड होते हुए बिहार में दस्तक दे दी है और इसे लेकर अब बिहार सरकार अलर्ट है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। तूफान के असर से तेज हवाएं बह रही हैं तो कई हिस्से में बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पटना में 80 से 120 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं तेज बारिश आंधी के साथ ही कई जिलों में ठंड का गिरने की भी संभावना है। यास तूफान के संभावित प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने SDRF और NDRF की 22 टीमें को विभिन्न जिलों में तैनात कर दिया है ताकि किसी भी परिस्थिति में निपटा जा सके। हालांकि कल से बिहार के कई जिलों में बारिश बंद है लेकिन मौसम विभाग की ओर से 30 मई तक का अलर्ट जारी किया गया है। इधर यास तूफान के चलते बिजली आपूर्ति के अवरुद्ध होने की भी संभावना है। ऐसे में अस्पतालों में बिजली आपूर्ति बहाल रहे इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। बिहार में नेता और पुलिस अफसर आ रहे हैं साइबर ठगों के निशाने पर। साइबर ठगी करने वाले के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं। यही कारण है कि अब उन्हें विधायकों, नेताओं और पुलिस का भी खौफ नहीं रहा है और वे उनके नाम से भी सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। हैकरों की नजर में बिहार के VIP गण व पुलिस अधिकारी खास तौर पर आ रहे हैं। ताजा मामले में जहां सीनियर IPS अधिकारी व ADG मुख्यालय जितेंद्र कुमार की फेक फेसबुक ID बनाकर लोगों से मैसेज के जरिए रुपए की मांग की गई है, वहीं इससे पहले सोमवार को बेगूसराय के सशस्त्र पुलिस बल में कमांडेंट मनोज तिवारी का भी फर्जी अकाउंट बनाकर पैसों की मांग की गई थी। इसे लेकर आर्थिक अपराध इकाई को शिकायत भी की गई है जहां जांच जारी है। बताया चले कि हाल में अब तक हैकरों ने लघु जल संसाधन मंत्री, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, IPS अधिकारी सुशील कुमार, EOU के DSP तक का फर्जी अकाउंट बना दिया है। बिहार में आज से लागू हुआ लॉकडाउन 3। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के बाद राज्य की नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए फिर से बढ़ा दिया है और यह लॉकडाउन 3 आज से 1 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ ही बिहार सरकार की ओर से लॉकडाउन पार्ट 3 के लिए कई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक राज्य सरकार के सभी कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन, डाक, दूरसंचार, बिजली, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड, जिला पूर्ति आदि सहित जरूरी सेवाओं के कार्यालय पहले की तरह ही काम करेंगे। इस लॉकडाउन में
में भी पहले की तरह खाद्य सामग्री, दूध व अन्य जरूरी सामान की दुकानें सुबह महज 4 घंटे के लिए ही खुल सकेंगी। इनका समय शहरों में सुबह 6 से 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक होगा। वहीं शादी समारोह व श्राद्ध क्रम में अभी भी 20 लोग शामिल हो सकेंगे और रेस्टोरेंट में सुबह 9 से रात के 9 बजे तक होम डिलीवरी जारी रहेगी। वहीं सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, पार्क, उद्यान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, धार्मिक अनुष्ठान आदि भी बंद रहेंगे। वहीं नाइट कर्फ्यू के साथ ही जरूरी सेवा को छोड़कर किसी के भी सड़क पर या फिर गाड़ी या पैदल निकलने पर कार्रवाई की जाएगी और उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। देश भर में आज मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। आज संपूर्ण देशवासी भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव यानी कि बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। बौद्ध धर्म के मानने वाले के लिए यह सबसे बड़ा उत्सव है। मानता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसी दिन उन्हें बिहार के बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद से वो महात्मा बुद्ध कहलाए जाने लगे। बुद्ध पूर्णिमा न केवल बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों के लिए बल्कि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। इस खास मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों व बिहार वासियों को खास तौर पर बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी, साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की। पटना नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बदल दिया सिस्टम। पटना नगर निगम की तरफ से जारी किए जाने वाले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर जारी व्यवस्था अब अगले महीने की शुरुआत से ही बदल जाएंगे। इसके तहत 1 जून से निगम अंचल कार्यालय में ही उप निबंधक के द्वारा जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये निगम के हर अंचल कार्यालय के कार्यपालक पदाधिकारी को ही उप निबंधक नियुक्त किया गया है। इसके तहत अब नए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब निगम के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस व्यवस्था का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। बताते चले कि सामान्य स्थिति में 2 से 3 दिन का समय लगता है, जिसमें से 1 दिन का वक्त संबंधित अंचल से हस्ताक्षर करने के लिए मुख्यालय जाने में चला जाता था। अब यह समय बचेगा। पटना नगर निगम के इस नए फैसले के बाद अब लोगों को 1 से 2 दिन में ही जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन के बाद मनु महाराज जाएंगे केंद्रीय नियुक्ति पर। बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन को 3 वर्षों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। इसके तहत आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की सेवा गृह मंत्रालय भारत सरकार को सौंप दी गई है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर योगदान देंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान वे एडीजी हेडक्वार्टर के पद पर काम कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम के कुछ दिन बाद ही बिहार सरकार ने उन्हें इस पद से हटा दिया था। तब से वे नागरिक सुरक्षा आयुक्त के पद पर स्थापित थे। बताते चले कि आईपीएस कुंदन कृष्ण के अलावे आईपीएस आरएस भट्टी और आईपीएस मनु महाराज को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार ने सहमति दे दी है। फिलहाल आईपीएस मनु महाराज सारण रेंज डीआईजी के पद पर पदस्थापित है। खरीफ बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन में किसानों को आ रही है परेशानी। लॉकडाउन ने बिहार में खरीफ की खेती में जुड़े किसानों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी है। स्मार्टफोन न होने व साइबर कैफे, कॉमन सर्विस सेंटर और सुविधा केंद्र के बंद रहने के कारण ये किसान खरीफ फसल के बीज के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आवेदन की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है। फिर भी अभी तक महज 5.67 लाख किसानों ने ही आवेदन किया है। इसमें ऑनलाइन बीज घर मंगाने वाले किसानों की संख्या महज 1.43 लाख है, जबकि बिहार में करीब 1.75 करोड़ निबंधित किसान हैं। बता दें कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को अनुदानित दर पर धान, संकर, मक्का, अरहर, सोयाबीन, उड़द, मड़ुआ, बाजरा और तिल का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें अनुदान की राशि 50 से लेकर 90% तक है। में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कम आवेदन करने वाले 10 जिलों के अधिकारियों को चेतावनी दी है। पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, समस्तीपुर, पूर्णिया, दरभंगा, शेखपुरा, बांका, सुपौल और बेगूसराय जिले में किसानों द्वारा कम आवेदन आए हैं। वहीं नवादा जिले के सर्वाधिक किसानों ने ऑनलाइन बीज के लिए आवेदन दिया है। सीएम नीतीश कुमार के दोस्त ने स्वास्थ्य केंद्र शुरू करवाने की लगाई गुहार। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के बचपन के दोस्त ने उन्हें याद किया है। दरअसल इंजीनियरिंग कॉलेज के साथी नरेंद्र कुमार सिंह ने एक गुहार अपने सीएम मित्र से लगाई है। नरेंद्र सिंह के गांव सहरसा के महिषी प्रखंड अंतर्गत मैना गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है और डॉक्टर, नर्स और दवाइयों के बिना यह खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसे को लेकर नरेंद्र सिंह ने अपने इलाके में बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र को फिर से चालू करवाने और बिहार के सभी बंद पड़ चुके स्वास्थ्य केंद्रों को शुरू करवाने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही मैने गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए केंद्र में 10 ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था करवाने की भी बात कही। बाबा रामदेव के एलोपैथ वाले बयान पर देश प्रताप ने साधा निशाना। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथ को कमजोर बताने वाले बयान के बाद से उन्हें विपक्षी दलों के नेता ने घेरने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बगैर नाम लिए बाबा रामदेव पर हमला बोला है। तेज प्रताप ने रामदेव पर बयान देकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसा
ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बाबा हमारे देश को एक अलग मुद्दा थोप रहे हैं, हमें असल मुद्दे से भटकाने की पुरजोर कोशिश में है। याद रखें देशवासियों, ये बाबा भी उसी फकीर के गैंग का सरगना है। तो बताते चले कि बाबा रामदेव ने दो दिन पहले यह कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि एलोपैथ दवाइयों और इलाज की वजह से ही देश में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना रोगियों की मौत हो रही है। उनके इस बयान का IMA और एलोपैथ प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों ने करा विरोध किया था। हालांकि विवाद खड़ा होने पर रामदेव ने अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर बिहार में भी मनाया गया काला दिवस। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज देश भर में किसानों ने काला दिवस मनाया और जगह जगह धरने प्रदर्शन भी किए। वहीं इस प्रदर्शन को देश के दर्जन भर से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन दिया। इसके तहत बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने किसानों के इस आंदोलन को समर्थन दिया है। इस बाबत RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर आज किसान इसे ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने 12 मई को PM मोदी को पत्र लिखकर किसानों की मांगों को पूरी करने की बात कही थी। किसान परेशान है लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकाला गया है। बताते चले कि आज ही के दिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसे लेकर आज के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विपक्ष द्वारा इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पृथ्वी शॉ ने राहुल द्रविड़ को लेकर किया खुलासा। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा और स्टार बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया है। इस बीच पृथ्वी ने क्रिक बज पर हर्षा भोगले के साथ अपने U19 वर्ल्ड कप का अनुभव और राहुल द्रविड़ की सलाह को लेकर बातें को शेयर किया है। पृथ्वी शॉ ने कहा है कि टीम के पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने उनसे कभी उनका प्राकृतिक खेल बदलने के लिए नहीं कहा। शाह ने क्रिकबत से कहा कि हमने द्रविड़ सर के साथ 2 साल पहले दौरा किया था, हमें पता था कि वह अलग है लेकिन उन्होंने कभी भी हम लोगों से अपने जैसा बनने का दबाव नहीं डाला, उन्होंने कभी भी मुझसे कुछ भी बदलने के लिए नहीं कहा। बता दें कि शॉ की कप्तानी में भारतीय U19 टीम ने विश्व कप जीता था और उस वक्त द्रविड़ ही टीम के कोच थे। देश भर में दर्ज किए गए 2 लाख कोरोना के मामले। देश भर में कोरोना मामलों में कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,08,921 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान कुल 4,157 मरीजों की जांच ली गई है। वहीं 2,95,955 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केस 24,95,591 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे में 3,306 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान करीब दुगने लोग यानी कि 6,015 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 35,129 हो चुकी है। वही अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं, जो कि बढ़कर 94.27% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि बिहार में लगे लॉकडाउन के गाइडलाइंस का पालन आपके आसपास हो रहा है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।